आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। स्टूडेंट, आपने समर वैकेशन में जो भी आपके रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया था उसको सॉल्व किया होगा, और जो बचा था उसको भी आपने सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। अब हम आगे चैप्टर वाइज चलेंगे, क्योंकि आपका जुलाई मंथ आ गया है, आपका स्कूल पुनः रीओपन हुआ है, इसलिए आप चैप्टर वाइज अब जो है एक्सरसाइज अपना सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया गया, आप बुक में देखेंगे, लार्ज नंबर्स आपका पहला चैप्टर रहेगा। लार्ज नंबर्स यहां पे हम डाल दे रहे हैं, लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्याएं। आपने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ये आपने फर्स्ट और सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ा। हंड्रेड तक के आपने नंबर्स पढ़े होंगे, थाउजेंड तक के पढ़े होंगे, लेकिन अब टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, इनके बारे में आपको जानना होगा। आप जानते हैं कि अगर वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लें या वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लें, ये चीजें आपको बताई गई होंगी। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट क्या होता है, नाइन। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट नाइन। स्मॉलेस्ट नंबर अगर कहें, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, तो आप वन पे जाएंगे। आप क्या बताएंगे, वन बताएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर में आप नाइन बताएंगे, स्मॉलेस्ट में वन बताएंगे। इसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर आप टू डिजिट में 99, स्मॉलेस्ट नंबर आप टू डिजिट में 10 बताएंगे। इसी तरह से फिर हम थ्री डिजिट में जाएंगे, उसका ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर में आप थ्री टाइम 999, और उसके बाद स्मॉलेस्ट में क्या बताएंगे, 100 बताएंगे। तो देखिए, आप ग्रेटेस्ट नंबर में जैसे आपने 99 ग्रेटेस्ट नंबर लिया, उसके बाद का जो नंबर लेंगे वो थ्री डिजिट में आ जाएगा। वन प्लस करने के बाद क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें वन प्लस करते जाएंगे आप, फिर उसके बाद कहां तक पहुंचेंगे, 999 तक। कहां तक पहुंचेंगे, 999। ये आपका थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। इसमें वन प्लस करेंगे तो आप फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पाएंगे। तो इस तरह से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते जाएंगे। तो आपका फर्स्ट ये जो चैप्टर दिया गया है, लार्ज नंबर्स यानी बड़ी जो संख्याएं हैं, आप वन बाय वन नंबर ऐड करते जाएंगे तो आपको इनफिनिट नंबर्स मिलते जाएंगे, बहुत सारे नंबर मिलते जाएंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपको हमने यहाँ पे लिखा है, उसमें आप देखेंगे बड़े नंबर्स में क्या है, आपको वर्ड्स में लिखना होता है, न्यूमरल्स अंकों में लिखना होता है, और शब्दों में लिखना होता है। जो भी आपको नंबर्स दिए गए रहते हैं उसको अंकों में और शब्दों में लिखना होता है। तो जैसे जैसे आप आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे या जो स्टार्ट हो रही एक्सरसाइज, उसको 1.1 को पढ़ेंगे तो देखेंगे आप जो है, हम पहला इसका क्वेश्चन नोट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, आप देखेंगे बुक में। देखते हैं आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट इन वर्ड्स, राइट मीन्स आपको लिखना, इन मीन्स में, वर्ड्स मीन्स शब्दों में। आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये आप जो है होमवर्क में करेंगे, और हम अब जो है पीडीएफ के माध्यम से भी आपके यहाँ इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। तो इसलिए हम फर्स्ट वाला यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वीडियो में, और इसके बाद का जो भी बचता आप प्रयास करेंगे उसको अपने रफ कॉपी पे करने का। अगर आप रफ कॉपी पे आप कर लेते हैं तो उसको आप जो है पीडीएफ जो भेजा जा रहा है उससे मैच करेंगे, मिलान करेंगे कितना क्वेश्चन आपका राइट होगा। तो देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुक में, राइट इन वर्ड्स, आपको शब्दों में लिखना है। जो नंबर दिए गए यहां पे उनको किसमें लिखना है, शब्दों में। तो आप शब्दों में लिखने का मतलब इंग्लिश स्पेलिंग में लिखेंगे। यहां पे देखेंगे फर्स्ट आपको दिया गया है, यहां पे इसे काउंट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, आप थाउजेंड और टेन थाउजेंड का नंबर साथ में मिला करके पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे इसको टेंस और हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड,
10,000 और 1,000 का मिला करके कितना हो गया 18, तो लिखेंगे आप 18 क्या है 1,000 है, 18,000 245। ये लास्ट का नंबर दोनों साथ मिला के पढ़ेंगे और यहां पे बीच में डैश का यूज कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया 18,245। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। आपने देखा यहां पे हमने क्या किया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड काउंट किया, 10,000 पर वन है और 1,000 पर एट है, दोनों को मिलाया 18,000 हो गया। उसके बाद 100 पर 2 है तो 100 हमने लिख दिया, फिर उसके बाद 4,5 यहाँ पे है वंस टेंस पर, यानी 45 हो गया 18,245। सेकेंड देखिए आपको दिया गया नंबर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, आप इस तरह से काउंट करेंगे, आप देखेंगे 10,000 पर 4 है और 1,000 पर 5 मिला के 45,000 हो गया, 100 पर 2 है 200 हो गया, 10 पर 8 है 80 हो गया और यहाँ पे 1 पर 1 है 81, यानी 45,281। इसका भी आप क्या लिखेंगे, नंबर्स नेम यानी स्पेलिंग आपको लिखनी है, वर्ड्स में लिखना है। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे इसमें दिया है 10,000 पर 1 है और 1,000 पर 7 है, मिलके क्या हो गया 17,000, 100 पर 4 है 400, 10 पर 5 है 58, यानी 17,458। नेक्स्ट आप नंबर देखेंगे वंस टेंस, टेंस पे देखेंगे यहाँ पे 0 है, 100 पर 0 है, 1,000 पर 0 है और 10,000 पर 8 है, तो आप 1,000 और 10,000 का नंबर मिला के पढ़ेंगे यानी 80,000 और यहाँ पे 100 और 10 पर 0 है, इसलिए लास्ट में क्या 1 है वंस टेंस पर, तो इसको क्या हम लिखेंगे 80,001, ओनली यू विल राइट 80,001 इनवर्स। नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे यहाँ पे ई दिया गया है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, 10,000 2 है और 1,000 पर 0 यानी मिला के कितना हो गया 20,000, 100 पर 5 है 500, 10 पर 0 आपका 1, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको 20,501, स्पेलिंग आप नोट कर देंगे। फिर देखेंगे आप नेक्स्ट नंबर एफ दिया गया है, इसमें क्या दिया गया आपको वंस पर क्या है 4 है, फिर बाकी के 10,100,000 ये सब क्या है 0 है और उसके बाद 10,000 पर आपका 3 है, तो 10,000 और 1,000 मिला करके कितना हो गया 30,000, यानी 30,000 और लास्ट में 4 है, हम 4 पढ़ेंगे तो इसको लिख भी देंगे स्पेलिंग। तो स्टूडेंट इसका हम पीडीएफ भी भेजेंगे आपको, जो है ये तो वीडियो भेजी गई है, पीडीएफ भी भेजा जाएगा, आप जो है उसको अपने रफ कॉपी पे नोट करके इसको अपने से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पीडीएफ से अपना मैच करिएगा, फिर उसे फेयर कॉपी पे अपना नोट करेंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, आपकी जो भी डाउट है जो भी कंफ्यूजन है उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।